बिहार में चल रहे जमीन सर्वे में लोगों को हो रही परेशानी का समाधान करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने एक नंबर जारी किया था और कहा था कि 2400 घंटे ये नंबर काम करेगा और इस पर बिहार का कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। न्यूज 18 ने इस दावे की पड़ताल की है, नतीजा क्या निकला इस रिपोर्ट में देखिए। जनता को जिसमें राहत मिलेगा और बिना विवाद के सर्वे होगा, हम हर तरह से जनता के साथ रहे। नाइन फोर थ्री जीरो नाइन वन 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 वन। फिर से इस मोबाइल नंबर को नोट करिए, 9430911111। बिहार में लैंड सर्वे हो रहा है। लैंड सर्वे के दौरान लोगों को तरह तरह की परेशानी हो रही है। लोगों की परेशानियों के समाधान के लिए बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने खुद अपना निजी नंबर जारी कर दिया था। मंत्री जी ने दावा किया था कि इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति 2400 घंटे शिकायत करके शिकायत का समाधान प्राप्त कर सकता है। न्यूज 18 ने लैंड सर्वे के दौरान लोगों को आ रही दिक्कतों के बारे में बताने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल की ओर से जारी किए गए नंबर पर कॉल किया। यही वो नंबर है जो आप देख सकते हैं, 9430911111। और हम बात करने की कोशिश करते हैं दिलीप जायसवाल, जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं, वह लोगों से किस कदर लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और फिर उनसे बात करते हैं। देखिए, हमने कॉल किया। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे रही है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। द पर्सन यू आर कॉलिंग इज नॉट आंसरिंग, प्लीज ट्राई लेटर। दिलीप जायसवाल मंत्री हैं, काफी व्यस्त भी रहते हैं। हो सकता है जब हमने कॉल किया हो तो उस समय उनका स्टाफ भी कहीं गया हो, इसलिए हमने एक बार फिर से इस नंबर पर कॉल किया। और एक बार फिर से हमने ये नंबर जो है कॉल किया है दिलीप जायसवाल। पश्चात प्रयास करें। द पर्सन यू आर कॉलिंग इज नॉट आंसरिंग, प्लीज ट्राई लेटर। मंत्री दिलीप जायसवाल की ओर से जारी किए गए नंबर पर लगातार दो बार कॉल की गई, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। देखिए, ये हमने रियलिटी चेक इसलिए किया है कि कई लोगों ने हमसे न्यूज 18 से ये शिकायत की कि हम कॉल करते हैं जो ये नंबर जारी किया गया है उस पर, लेकिन फर्दर कोई रिस्पॉन्स उधर से नहीं आता है। हमने भी कॉल किया, किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मंत्री की ओर से जारी नंबर पर कॉल ना उठाने का सवाल जब बीजेपी के प्रवक्ता से किया गया तो उनका क्या जवाब था, सुन लीजिए। कौन कहता है कि फोन नहीं लग रहा? हजारों कंप्लेन दर्ज हो चुके हैं और आगे भी दर्ज होंगे। वहीं जेडीयू प्रवक्ता का कहना है कि थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन जो भी परेशानियां आ रही हैं उसका समाधान किया जा रहा है। इसमें जो लोग आरोप लगा रहे हैं गड़बड़ी करने का, वैसे पर सरकार एक्शन भी ले रही है। अभी दो अधिकारियों पर राज्य सरकार ने एक्शन लिया है। सवाल है कि लोगों की परेशानियों के समाधान के लिए मंत्री दिलीप जायसवाल ने नंबर जारी किया था, जब कोई कॉल ही नहीं उठाएगा तो समस्या का समाधान कैसे होगा? न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, 3 दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने सरकार बनने पर 200 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा किया था, लेकिन अब वादा नंबर 2 भी सामने आ गया है।
उन्होंने सरकार बनने पर मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का वादा कर दिया है, जिससे मिथिलांचल का तेजी से विकास होगा। बीजेपी ने तेजस्वी यादव के वादों पर लालू प्रसाद राबड़ी देवी के शासनकाल की याद दिलाई है। अगर सत्ता तेजस्वी की आई तो मिथिलांचल विकास प्राधिकरण बनाएंगे, मतलब ये कि मिथिला के विकास पर जोर दिया जाएगा। तेजस्वी यही कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार ने पिछले 20 साल में मिथिला के लिए कोई विशेष काम नहीं किया। आभार यात्रा पर निकले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मिथिलांचल को लेकर बड़ा वादा किया है, वो भी तब जब बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। तो मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन हम लोग कराएंगे एमडीए, ताकि मिथिलांचल के डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है मिथिलांचल के विकास के लिए काम। बिहार के नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने तेजस्वी को लालू प्रसाद की विरासत को लेकर चलने वाला बताया। तेजस्वी यादव उसी विरासत को लेकर चल रहे हैं जो उनके पिताजी ने बनाया था। अब आप सोचिए कि क्या विरासत थी उनके समय में। आज जो एमडी और मिथिला विकास और ये सब कह रहे हैं, उनको ध्यान में है ना कि हम बिहार की जनता को, कि उनके समय के निगम और बोर्ड की स्थिति क्या होती थी। तेजस्वी के बयान पर बीजेपी नेता कुंतल कृष्ण ने भी पलटवार किया है। कुंतल कृष्ण ने कहा कि तेजस्वी को माफी यात्रा निकालनी चाहिए, वे दिन में सपने देखना छोड़कर अपने पिता के शासनकाल के कुकृत्यों के लिए बिहार वासियों से माफी मांगे। तेजस्वी दिन में सपने देखना छोड़ दें, सबसे पहले इनके माता पिता के 15 साल के कार्यकाल में बिहार में जो बिहार लूट अथॉरिटी बन गई थी, बिहार नरसंहार अथॉरिटी बन गई थी, उसके जो विक्टिम्स थे उनसे माफी मांगे। चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी का मिथिलांचल प्रेम बहुत कुछ इशारे कर रहा है। 3 दिन पहले ही तेजस्वी ने सरकार बनने पर 200 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया है और अब मिथिला विकास प्राधिकरण का नया शिगुफा बता रहा है कि आरजेडी चुनावी मोड में है और तेजस्वी चुनावी मोड में। दिल्ली से मितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने मिथिलांचल कहने पर तेजस्वी यादव और लालू परिवार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि मिथिला एक वृहत क्षेत्र है जिसका विस्तार देश की सीमा से पार तक है। मिथिला की अपनी ऐतिहासिक विरासत रही है। उन्होंने ये भी कहा कि लालू परिवार के डीएनए में ही मिथिला का अपमान है। तेजस्वी यादव ने भी अपने पिता के कारनामे को दोहराया है। वे मिथिला को मिथिलांचल कहकर एक छोटे से क्षेत्र में सीमित और विभाजित करने की साजिश रच रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने पिछले दिनों जितना काम किया है, मुझे आज भी याद है कि मिथिला और कोसी अलग अलग था और महासेतु बनाने का काम रेल मंत्री जब थे अटल जी के सरकार में, प्रधानमंत्री जी को ले गए और उन्होंने मिथिला और कोसी को एक कर दिया। इसके अलावा जो लोग बोल रहे हैं मिथिला को लेकर के, उन लोगों ने तो मैथिली भाषा को बीपीएससी से निकाल दिया था। जब नीतीश जी की सरकार बनी 2005 में तब उन्होंने मैथिली भाषा को बीपीएससी में लेके आए। एनडीए के सरकार में अटल जी ने मैथिली को अष्टम सूची में स्थान दिया और अभी जब मौका मिला कि दो एयरपोर्ट गया बिहार में, तो मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि दोनों एयरपोर्ट मिथिला में बनेगा, एक दरभंगा में और एक पूर्णिया में। जब दूसरा एम्स गया बिहार को, तो मुख्यमंत्री जी ने तय किया, केंद्र से दिया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, लेकिन वो कहाँ बनेगा वो नीतीश कुमार जी ने तय किया कि वो मिथिला के दरभंगा में बनेगा। और पिछले 17-18 साल में मिथिला में रोड कनेक्टिविटी हो, बिजली देना हो, अन्य व्यवस्था करना हो, मखाना का सेंटर खोलना हो, मिथिला पेंटिंग इंस्टीट्यूट खोलना हो, मैं 100 चीज गिना सकता हूं जो मिथिला में चीजें पिछले 18 साल में बदली है। जो बोल रहे हैं वो तो मिथिला को रसातल में पहुंचा दिए थे। मिथिलांचल पर तेजस्वी यादव के बयान पर मंत्री मदन सैनी ने भी पलटवार किया है और कहा है कि तेजस्वी यादव के आरोप और दावे दोनों गलत हैं। यादव ने कहा है कि
जब उनके सरकार आएगी तो मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का निर्माण कराएंगे, आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया मिथिलांचल के विकास के लिए? देखिए, इसमें दो तरह की बात है। एक तो सबसे पहले सरकार नहीं आएगी उनकी, क्योंकि 2025 से 2030 तक फिर से एनडीए की सरकार बनना तय है। और उसका कारण एक दूसरा वजह तो यह है कि 15 साल में उन्होंने विफल सरकार के रूप में सभी क्षेत्रों में उनका जग जाहिर है। और तीसरी बात यह रही कि जो मिथिलांचल का वो विकास की बात कर रहे हैं, मिथिलांचल में आपको जो महासेतु है जिन्होंने आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से जो मिथिलांचल दो भागों में बटा हुआ था उसका निर्माण हुआ, और जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है जो सिलचर से पोरबंदर तक का जो सड़क है जिसको 4 लेन हम कहते हैं, उसका निर्माण इसी 2006 के बाद हुआ था। बिहार आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने